In today's lecture, we will talk about evaluation metrics in machine learning. As we have already seen, a machine learning algorithm takes an input and based on the input, it decides some output. How do we know that the output that we have produced is correct? Machine learning evaluation metrics are used to determine the performance of a machine learning algorithm. These are actually methods. These are some methods, some measures that we use to check the output, whether the output is correct or not. These machine learning evaluation metrics help us in order to decide what is our best model. और इसके अलावा अगर हम किसी भी मॉडल को ट्यून करना चाहते हैं, हमने कोई एल्गोरिदम ट्रेन किया है, हम उसे ट्यून करना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी पैरामीटर सेटिंग है जिस पे हमारे मेथड की आउटपुट करेक्ट होगी, वो भी हम एक परफॉर्मेंस मेजर की बेसिस पर ही डिसाइड कर पाते हैं. सो अगर हमारे पास एक परफॉर्मेंस मेजर नहीं है, हम नहीं बता पाएंगे विच मशीन लर्निंग एल्गोरिदम इज बेस्ट. So, in order to find the best machine learning algorithm for a given set of input in a given domain, हमें उसे कुछ performance measures उसके check करने पड़ते हैं, जो हमें बताते हैं कि हमें कौन सा algorithm हमारे पास best perform कर रहा है. There are various types of evaluation metrics. जैसे machine learning के हमारे algorithms के काफी सारे types हैं, classification, regression, ranking, clustering. ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास इवेल्यूशन मैट्रिक्स के भी मल्टीपल टाइप्स हैं जो मल्टीपल एल्गोरिदम्स के लिए यूज़ होते हैं. कुछ इवेल्यूशन मैट्रिक्स ऐसे हैं जो मोर देन वन टाइप ऑफ एल्गोरिदम हम यूज़ कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद रिग्रेशन मैट्रिक्स. बेसिकली एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट, रिग्रेशन क्या करता है कि हम वो कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल स्कोर्स प्रेडिक्ट करता है. ठीक है, हम उसे कुछ भी इनपुट देंगे, कुछ सेट ऑफ फीचर्स हम इनपुट देंगे और आउटपुट में हमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, जैसे हाउसेस की प्राइसेस प्रेडिक्ट करनी है. ठीक है, और एक और एग्जांपल हमारे पास इधर गिवन है कि प्राइस ऑफ स्टॉक ऑन फ्यूचर डेज. ठीक है, बेस्ड ऑन पास्ट हिस्ट्री एंड अदर यूजफुल इन्फॉर्मेशन. सो अगर हमने अभी चेक करना है कि जो हमारे पास आउटपुट में एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, whether it's correct or not, तो उसके लिए देखेंगे कौन से परफॉर्मेंस में ये जो है वो हम यूज़ करते हैं. सो द फेमस वन इज जो सबसे ज़्यादा हम यूज़ किया जाता है मशीन लर्निंग रिग्रेशन टास्क में, वो है रूट मीन स्क्वायर एरर. ये हमें बताता है कि हमारी प्रिडिक्टेड आउटपुट जो है और एक्चुअल वैल्यू, उसमें एरर कितना है. जितना एरर हमारे पास कम होगा, उतनी हमारी आउटपुट करेक्ट होगी. इसे इट्स ऑल्सो नोन एज रूट मीन स्क्वायर डेविएशन. ठीक है, दिस इज डिफाइंड एज अ स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज स्क्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन एक्चुअल स्कोर एंड द प्रेडिक्टेड स्कोर. यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन है, लेट्स एक्सप्लोर इट. सो इफ वाई हैट इज द वेक्टर ऑफ प्रेडिक्शंस एंड प्रेडिक्शंस. ठीक है, हमारे पास एन रोज थी, एन इंस्टेंसेस थी, तो हमने जो प्रिडिक्ट की वैल्यू उसको हमने y हैट से डिनोट कर दिया. एंड y इज द वेक्टर ऑफ ट्रू वैल्यूज. जो हमें ट्रू वैल्यूज पता हैं, हमने उनको y से रिप्रेजेंट किया. अब जब हमने रूट मीन स्क्वायर एरर उसका कंप्यूट करना है, तो उसका ही हमारे पास फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ प्रिडिक्टेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंसेस एंड वी हैव टू सबमिट ओवर ऑल द एन. यानी कि हमने हर इंस्टेंस में इसे कंप्यूट करके एन बाय एन से डिवाइड करना है और उसे नेक्स्ट इंस्टेंस में ऐड करते जाना है. व्हेन वी विल हैव अ फाइनल आउटपुट, उसका हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो वो हमारे पास होगा रूट मीन स्क्वायर एरर. Let's explore an example. हमारे पास ये हाउस प्राइस प्रिडिक्शन का एक डेटा है. बिल्कुल, हमारे पास थ्री इंस्टेंसेज हैं. हमारे पास यहाँ पे
तीन एट्रीब्यूट्स हैं, तीन फीचर्स हैं, लॉट फ्रंटेज, लॉट एरिया, सेल्फ, और ये हमारे पास जो है वो आउटपुट है। इसे हम वाई कहेंगे और प्रिडिक्टेड प्राइस को हम कहेंगे वाई हैट। ठीक है, अब अगर हमने इसका रूट मीन स्क्वायर एरर निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वाई हैट माइनस वाई, और ये हमें सबके लिए करना पड़ेगा, वन के लिए भी, रो वन, रो टू, रो एंड रो थ्री। सो इफ वी सबट्रैक्ट इट, हमारी प्रिडिक्टेड प्राइस इज एक्चुअली द सेम, सो हमारे पास यहाँ पे जीरो आएगा। इसका भी हमें स्क्वायर करना है, इसको अगर हम सबट्रैक्ट करेंगे वी विल हैव एटीन फाइव ओ फाइव, एंड फॉर द थर्ड वन वी विल हैव थाउजेंड। ठीक है, इसका तो हमारे पास स्ट्रेट आंसर जीरो आ जाएगा। अब अगर हमें 18,505 का स्क्वायर लेना है एंड देन वी हैव टू डिवाइड इट बाय थ्री, सो वी विल एंड अप अराउंड 114। वन फोर फाइव जीरो जीरो एट, देन वी हैव 2000, हम 2000 का स्क्वायर लेंगे और इसे डिवाइड करेंगे थ्री से, तो हमारे पास तकरीबन एक 2000। अब हमारे पास फाइनल है कि हमने इनको सम करना है और इसका अंडर रूट लेना है। सो आफ्टर टेकिंग अंडर रूट, हमारी रूट मीन स्क्वायर एरर जो हमारे पास आएगा, आर एम एस सी आएगा, आई हैव रिटन इट रॉन्ग, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी ऑलमोस्ट 10690। All right. Now we will see the evaluation matrix for classification models. So let's say we have a classification problem, जिसके output में हमारे पास दो classes हैं, binary classification problem. यानी कि आउटपुट या तो जीरो हो सकती है या वन, येस और नो, ट्रू फॉल्स, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। जैसा कि स्पैम डिटेक्शन है, स्पैम डिटेक्शन से मुराद ये कि आपके पास ईमेल्स हैं स्पैम में, आपके पास ईमेल्स आ रही हैं, तो यू नीड टू फाइंड आउट विच ईमेल इज स्पैम, ये कौन सी ईमेल है जो फ्रॉड है और कौन सी ईमेल है जो करेक्ट ओरिजिनल है या फेक नहीं है। ठीक है, तो इट्स अ बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। क्या आउटपुट में हमारे पास येस होगा
या नो होगा, इधर द ईमेल इज स्पैम और नॉट. जो हमारे पास क्लासिफिकेशन के लिए मैट्रिक्स यूज होते हैं उनमें क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है, जो अब हम इधर देखेंगे. इसके अलावा और भी मैट्रिक्स हैं जो हम आहिस्ता आहिस्ता विद अदर कमिंग लेक्चर्स उनको डिस्कस करेंगे. ओके, क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी इज बेसिकली द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ करेक्ट प्रेडिक्शंस एंड द टोटल नंबर ऑफ प्रेडिक्शंस. Suppose that we have the binary classification problem that we have previously discussed, और हमारे पास जो है वो पॉजिटिव एग्जाम्पल्स हैं 100 और नेगेटिव एग्जाम्पल्स हैं 200. ठीक है, तो सो टोटल नंबर ऑफ प्रिडिक्शंस या टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हमारे पास 100 और 200 हैं. लेकिन जो हमारा मॉडल है वो क्या करता है कि जो पॉजिटिव एग्जाम्पल्स हैं उनके लिए वो 80 करेक्ट प्रिडिक्ट करता है और 20 वो रॉन्ग प्रिडिक्ट करता है. एंड फॉर द नेगेटिव क्लास इट predicts 195 correct and 5 incorrect out of 200. So our classification accuracy will be जो हमारा correct prediction आई है यानी कि 80 for a positive class, और for negative class हमारी correct predictions जो थी वो 195 थी. ठीक है, तो हमने total number of correct predictions divided by total number of predictions, यानी कि हमारे पास total 100 examples थी, 200 examples थी, तो हमारे पास जो क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी आई है वो 91.7 आई है. ऑल राइट, सो इफ वी हैव मोर देन टू क्लासेस बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, नाउ हमारे पास तीन हो चार हो क्लासेस, तो क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी विल वर्क द सेम वे. हम क्या करेंगे, करेक्ट प्रेडिक्शंस को ऐड करेंगे, डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ प्रेडिक्शंस पे. ओके, नेक्स्ट वी हैव कन्फ्यूजन मैट्रिक्स. सो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो है वो करेक्ट और इनकरेक्ट प्रेडिक्शंस की एक ब्रेकडाउन है, उनकी एक डिटेल्ड रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें हमें पता चल सकता है कि करेक्ट कितनी है, इनकरेक्ट कितनी है, कौन सी क्लास की कितनी करेक्ट है, कौन सी क्लास की कितनी इनकरेक्ट है. ऑल राइट, सो फॉर द प्रीवियस एग्जाम्पल जहाँ पे हमने देखा कि 20 जो थी हमारे पास इनकरेक्ट थी और 80 थी करेक्ट फॉर द पॉजिटिव क्लास, तो हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं. ठीक है, इसमें हम वैल्यूज देखेंगे किस तरह से आई है. सो लेबल्ड पॉजिटिव का मतलब है जो हमारे पास ग्राउंड ट्रूथ है, ठीक है, जो हमें पता था कि ट्रू वैल्यूज है. और लेबल नेगेटिव का मतलब है कि नेगेटिव जितनी टोटल एग्जांपल्स थी, और जो हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट की वो प्रिडिक्ट पॉजिटिव एंड प्रिडिक्टेड नेगेटिव. ठीक है, अब जो पॉजिटिव 100 हमारे पास सैंपल्स थे, ठीक है, उनमें से हमारे मॉडल ने 80 पॉजिटिव प्रिडिक्ट किए, तो हम इसे कहते हैं ट्रू पॉजिटिव, एंड वी कैन डिनोट इट लाइक टीपी. All right, and for the rest of the 20 positive examples, हमारे मॉडल ने करेक्ट prediction नहीं की, उसने कहा कि ये negative class है, हालांकि वो positive class का part थे, तो हम उन्हें कहते हैं false positive और उन्हें एक दूसरे कॉलम में इधर insert करते हैं, और इसे हम represent करते हैं FP से. ओके, नाउ फॉर द लेबल्ड नेगेटिव क्लास हमने क्या देखा था, 195 जो थे वो उसने नेगेटिव ही प्रिडिक्ट किए थे. ठीक है, तो उसको हमने ट्रू नेगेटिव में ऐड किया, उसे कहते हैं ट्रू नेगेटिव, और 195 वर देयर, एंड 5 वर इनकरेक्टली प्रिडिक्टेड एज पॉजिटिव, सो उसे कहेंगे फॉल्स पॉजिटिव्स. ठीक है, अब इन हमारे जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में एफ पी टी पी टी एन, ठीक है, इनकी फॉल्स नेगेटिव्स, इनके बेसिस पे हम और भी बहुत से वैल्यूएशन मैट्रिक्स हैं जो दोज वर्क ऑन द बेसिस ऑफ दीज वैल्यूज. ऑल राइट, सो अब हमने देखा जो हमारे पास क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी थी उसे हमने ब्रेक डाउन कर दिया इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कौन सी क्लास की क्लास वाइज हम एक्यूरेसीज को मेयर कर सकते हैं, कि कौन सी क्लास है जो जिसमें हमारे पास प्रिडिक्शंस करेक्ट आ रही हैं, कौन सी क्लास है जिसमें इनकरेक्ट आ रही हैं. सो वी कैन सी क्लियरली हेयर कि हमारी जो पॉजिटिव क्लास है उसकी एक्यूरेसी नेगेटिव क्लास के निस्बत कम है, यानी कि पॉजिटिव क्लास में ज़्यादा एग्जाम्पल्स ऐसी हैं जो कि इनकरेक्टली क्लासीफाई हुई हैं. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी मेयर द
performance of our classification model. So that's all for the evaluation metrics, and in later lectures we will see some other metrics as well. Thank you.